नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। इस शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज यानी कि 28 अगस्त ममता बनर्जी के लिए कुछ बहुत ही अहम होने वाला है, निर्णायक होने वाला है। वो निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन बुरा भी हो सकता है। आज बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में बंद कॉल किया है, लेकिन ममता ने अपने गुंडों को भी अलर्ट कर दिया है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट अपना स्नेह प्रेम चैनल के प्रति बनाए रखें। तो आज बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। आज ही तृणमूल कांग्रेस छात्र संघ का स्थापना दिवस भी है, तो आप ये मान के चलिए कि उस स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के मौके पे वहां पर हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा होंगे। उधर ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्थापना दिवस पर हजारों की संख्या में अगर टीएमसी के स्टूडेंट्स इकट्ठा होंगे, तो ये मान के चलिए कि जब केवल डॉक्टर स्टूडेंट्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो ममता दीदी उनके आंसू पोंछने की बजाय उन पर आंसू गोले छोड़ रही हैं, वाटर कैनिंग करवा रही हैं, लाठियां बरसा रही हैं। स्टूडेंट्स जो घायल हो गए हैं, जिनके सिर फूट गए हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं, उनको नर्सिंग हेल्प तक नहीं दी जा रही। ऐसे में अगर वो टीएमसी के स्टूडेंट्स भी पुलिस के साथ मिल गए तो वहां पे क्या सीन बनेगा? लेकिन वो जो डॉक्टर बेटी के अपराधी हैं, उन्होंने ममता दीदी की बाट लगा दी है। ममता दीदी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस बार इस तरीके से फंस जाएंगी। पूछताछ में काफी कुछ पता चल रहा है और कुछ और टेस्ट होने बाकी है। पूरा मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये सब क्यों हुआ, क्यों हुआ ये सब कुछ? ममता दीदी की एक गलती की वजह से वो तबाह हो चुकी है, उस पर भी बात होगी। लेकिन कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर और जो उनका मर्डर हुआ बाद में, उस बेटी का, उस केस में जांच एजेंसी सीबीआई, दिल्ली एम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम को भी उन्होंने कॉल किया है ताकि वो उनकी मदद करें, ताकि और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों की जांच हो सके, बारीकी के साथ। डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि वारदात में संजय रॉय ही एकमात्र आरोपी हैं, या इस अपराध में और लोग भी शामिल हैं। इस तरीके से ये साफ हो जाएगा कि उस डॉक्टर बेटी के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। हालांकि ये वो सीन देख करके, क्राइम सीन देख करके ही पता चल रहा था, और इस बात को डे वन से ही सभी उस डॉक्टर बेटी के साथी डॉक्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो सब कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ है। ये उस सीन पे दिखाई दे रहा था, उस डॉक्टर बेटी की बॉडी को देख करके दिखाई दे रहा था। लेकिन ठीक है, अब अगर इस बात की भी जाँच होनी है कि एक डॉक्टर बेटी के साथ कितनी बार रेप हुआ, कितने लोगों ने रेप किया, तो ये भी हो जाने दीजिए, ताकि पता तो चल जाएगा। सीबीआई ने कोलकाता की एक अदालत से एएसआई अनूप दत्ता पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन मांगी है। इसमें ये पता चल जाएगा कि क्या दत्ता ने क्राइम को छिपाने में मुख्य आरोपी संजय रॉय की मदद की थी। मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इसमें घोष ने सीबीआई को कौन कौन सी बातें बताई, ये अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ जानकारियां, कुछ कुछ बातें सामने आ रही हैं, जो ममता सरकार के लिए बेहद बेहद अशुभ हैं। अब देखिए, ईडी ने पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई
इसके बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच होगी, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। मतलब पूरी तरह से ममता सरकार बर्बाद होने जा रही है। ईडी ने ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की है। 25 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष के घर में छापा मारा था और एजेंसी ने घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर तलाशी ली थी। और सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज कर लिया था। सीबीआई ने ये कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पे की थी। यानी कि सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली चल रहा है, जांच आगे बढ़ रही है, उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ खुलासे ऐसे हैं जो डायरेक्ट गृह मंत्रालय को दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें और चीज़ों में आगे जांच करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें उनको सपोर्ट मिले। दरअसल हुआ ये है कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक जो हैं अख्तर अली, वो पहले से ही इन सब बातों को कह रहे थे, कई चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया था, लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था। और ममता के सरकार के साथ क्या ऐसा संभव है कि जो ममता दीदी के नियरेस्ट हों, जो उनके क्लोज हों, उनके खिलाफ वो किसी की बात सुनेंगी? कतई नहीं। इसीलिए वो शिकायत करते, उनकी शिकायत कोई सुनता ही नहीं। लेकिन अब उनकी जो शिकायतें हैं, बाकायदा उनसे एक याचिका दायर करवाई गई है और जो मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ियां हैं उनकी भी बारीकी से, मतलब माइक्रो लेवल पे जांच चल रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले का जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंप दिया था। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पे, जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है और मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं सब जगह पे एक ही बात हो रही है, उसका जवाब भी केंद्र सरकार जल्द ही ममता सरकार को देने वाली है। अच्छा, कहा जा रहा है कि गैंगरेप नहीं हुआ, ये सवाल कैसे उठ गया अचानक से? महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है, और ऐसे ट्वीट एक महिला कैसे इतने बेशर्मी भरे बयान दे सकती है कि गैंगरेप नहीं हुआ? अरे इसको कहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक डॉक्टर बेटी का रेप हुआ है, और जब सीन ये बता रहा है कि गैंगरेप हुआ है, तो इसको हुआ है या नहीं हुआ है कहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अपनी आदत से मजबूर है महुआ मोइत्रा, वही महुआ मोइत्रा जो पैसे लेकर के सदन में सवाल पूछती हैं, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? देश में इकलौती मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और वो भी महिलाओं के लिए इतनी निर्मम अपनी सोच रखती हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था। महिलाओं को जब सत्ता दी जाती है तो ये सोच के दी जाती है कि वो महिलाओं का कुछ भला करेंगी, लेकिन वही बात कि महिलाएं ही महिलाओं की हो जाती हैं दुश्मन। ये जो बातें और कहावतें बनी हुई हैं ना, ये शायद से मुझे लगता है बहुत सर्वे करके बनाई गई होंगी। और इस लेवल पे तो ममता दीदी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो उनकी महिला सहयोगी मंडली है वो भी उनसे कम नहीं है, उनसे दो कदम आगे ही हैं। क्यों हैं दो कदम आगे? क्योंकि उन्हें ममता को खुश करना है, और ममता का जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी है, जो उनका सोचने का तरीका है, ममता वेस्ट बंगाल में बैठ करके किसानों के लिए क्या कहती हैं? अरे उन्हें दिल्ली जाने दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि किसान बेचारे दिल्ली आ रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, तो ममता दीदी भी कहेंगी ना, क्योंकि उनकी तो बहुत क्लोजनेस है अरविंद केजरीवाल से। तो जिस समय किसान आने के लिए तैयार थे दिल्ली में, तो ममता दीदी ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, कि इन किसानों को दिल्ली आने दीजिए। और देखिए अब नवरना जाने से रोकने के लिए ऐसे ऐसे बैरिकेड लगा दिए हावड़ा ब्रिज पर कि उनको, मतलब बैरिकेड जो लगे हुए हैं उनको पाइप से वेल्ड कर दिया गया,
ताकि वो बैरिकेड टूटे नहीं. यू नो बैरिकेड छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, लेकिन अगर उनको एक पाइप से जोड़ करके उन्हें वेल्ड कर दिया जाए तब तो एक तरह से ऐसा हो गया ना कि आपने पूरा पक्का रास्ता रोक दिया. तो इन स्टूडेंट्स को आपने नमन्ना हाउस में क्यों नहीं जाने दिया? मैं ये भी बताऊंगी आपको कि नमन्ना है क्या, और ये जो आज का प्रोटेस्ट था ये नमन्ना प्रोटेस्ट ही था. उन स्टूडेंट्स को वहाँ जा कर के अपनी बात करनी थी, ममता को घेरना था, लेकिन ममता इतनी डर गई. और ये देखिए, ये उनका ममता दीदी का डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी है. स्टूडेंट को हावड़ा ब्रिज क्रॉस नहीं करने दिया. मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हावड़ा ब्रिज आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन ये हावड़ा को और कलकत्ता को अलग करता है. अब इन स्टूडेंट्स को उसी पुल से होकर के जाना था, लेकिन हावड़ा ब्रिज पे बैरिकेड करके उसको बैरिकेशन को बिल्कुल वेल्ड कर दिया. अब ऐसी सरकार को अगर क्या कहा जाए, ऐसी सरकार को जो दो तरह की सोच रखती है. और देखिए, स्टूडेंट्स अगर ममता से इस्तीफा मांग रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि हमें ममता नहीं चाहिए. आपने भी देखा सुना पढ़ा होगा कि उन स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि हमको ममता नहीं चाहिए. अब ऑब्वियसली ममता इस्तीफा दें तभी तो कहीं जा सकती हैं. ममता इस्तीफा देने को तैयार नहीं है. अदरवाइज इस्तीफा वैसे भी ममता दीदी क्या स्टूडेंट्स को थोड़े ना देंगी. केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना होगा, और केंद्र सरकार ममता की हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए है. आप ये मत सोचिएगा कि बंगाल को केंद्र सरकार इग्नोर किए बैठी है. पल पल की जानकारी मिल रही है, वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे पीएम मोदी हो. और वहाँ संविधान का आर्टिकल 356 इम्पोज करने के लिए अब क्या वजह चाहिए? सभी कुछ है जो चाहिए होता है. और आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री की मीटिंग थी, ये बात इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब करीब 2 साल पहले की है. ममता दीदी उसमें आती ही नहीं है, उनके एक असिस्टेंट अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, और अभी प्रधानमंत्री ने बैठक ख़त्म भी नहीं की, वोट के चले गए. इस बात को छोड़ दीजिए, ये बात पुरानी है, लेकिन अब रिसेंटली आप देख रहे हैं हिंदुओं के घरों को जलाया गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ, संदेश खली, कोई भूल सकता है जो कुछ वहाँ हुआ? कौन सी वजह चाहिए केंद्र सरकार को? और अब तो आपको भी लगने लगा है कि ये एक फिट केस है वेस्ट बंगाल में. अगर अब नहीं किया तो क्या वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप मेरे जो वीडियोस हैं उनमें जो कमेंट करते हैं वो लोग भी कह रहे हैं. जब स्टूडेंट्स ने घेरने की कोशिश की अबन्ना हाउस को, तो वो पहले ही जाकर के वहाँ छिप गई. और नबन्ना हाउस जो है, मैं आपको बता दूँ, हावड़ा में स्थित है. नबन्ना बिल्डिंग से पूरा रात चलता है, पावर सेंटर है वो. वहाँ पे बिल्डिंग्स के जो फ्लोर होते हैं उनको तल्ला बोलते हैं, तो वो 14 तल्ला की बिल्डिंग है जिसमें टॉप फ्लोर पर खुद ममता बनर्जी बैठती हैं, और 13वें फ्लोर पे मुख्य सचिव बैठते हैं, 5वें फ्लोर पे राज्य के गृह मंत्री का दफ्तर है. और साल में 2013 में ममता सरकार ने इस बिल्डिंग में एंट्री ली थी. उससे पहले वो राइटर्स बिल्डिंग में उनका दफ्तर हुआ करता था. इस बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस के जो हैं काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है, और पूरी सुरक्षा में ये पूरी बिल्डिंग हमेशा रहती है. अब आंदोलनकारी जो स्टूडेंट्स हैं जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनकी ये कोशिश थी कि वो नबन्ना बिल्डिंग का घेराव करें, ममता बनर्जी को जाकर के मिले, उनसे अपनी बात रखें, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो. और इस आंदोलन के पीछे अभी छात्र ही दिख रहे हैं. लेकिन आंदोलन जब शुरू होता है तो 2-4 लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे काफिला बढ़ता चला जाता है. तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसमें कल को आपको और लोग भी मिले, फिर
फिलहाल तो इसमें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, कल्याणी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, इसी तरीके से सियान लाड़ी जैसे युवा छात्र जो हैं इसको लीड कर रहे हैं। छात्र समाज नाम से एक संगठन है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। अब बीजेपी का भी आज कॉल दिया हुआ है बंगाल बंद का, तो मतलब देखिए ये स्टूडेंट ऑलरेडी हैं एक नंबर, दो नंबर पे वो स्टूडेंट जिनका आज स्थापना दिवस है टीएमसी के लोग हैं, प्लस टीएमसी के अपने गुंडे बहुत छोड़ रखे हैं ममता दीदी ने, प्लस बीजेपी के लोग रहेंगे। तो ये चौतरफा जो है कॉलेजन हो सकता है, और आज का दिन इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अहम तो होगा ही, लेकिन अब देखते हैं आगे दिन में क्या होता है, वो सब चीज़ों को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, मेरे चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।